देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच इज ऑफ कोर्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग. उनके हस्बैंड का रवैया उनके तरफ बिल्कुल ही चेंज हो गया. इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक था कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी. उनकी डेथ होने के बाद उनकी बॉडीज के 51 पार्ट्स हुए थे, राइट? वो अलग अलग Why is this Kalkata ka magic so famous? कलकत्ता का मैजिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग. वो एंटिटी ऐसे छोटे बच्चे की तरह देखती थी उनको. उनको उनका कोई शेप, उस बंदे का उस चीज कोई शेप नहीं था, लेकिन बस वो देखती थी कुछ दिख रहा है. वहां पे ये माना जाता है कि वो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो पूरी लाल हो जाती है, पूरी लाल. लगता है कि किसी लेडी किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है, राइट? उसके उसके रीजन से वो मंदिर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है. माना जाता है वहां पे एक बहुत ही सफेद कपड़ा उस पोर्शन पे रख दिया जाता है मंदिर के अंदर, जहां पे वो चीज मतलब है, उसके ऊपर से पूरा कपड़ा बिछा के 3 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस माया अगेन. आज हम माया में बात कर रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो लेट्स रिकॉर्ड दिस. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते तहा, और आपके सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से. वालेकुम सलाम एंड नमस्ते. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. माया कहाँ से हैं? मैं टेल अस फर्स्ट फॉर आर ऑडियंस. बेसिकली दिल्ली से, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, और राइट नाउ आई एम इन मुंबई बिकॉज ऑफ माई जॉब. दैट्स व्हाई आई एम इन मुंबई राइट नाउ. मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है राइट नाउ, और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग से निकल भी गए. जो भी मुझे भी लगता है कि पूछने लायक है, आई विल गोइंग टू आस्क यू. तो मैंने आपकी जब से ये स्टोरी टेलिंग की वीडियोस देखी, मुझे ऑब्वियसली आई विल से थैंक यू टू यू, क्योंकि आप जिस तरह से उनको एक्सप्लेन करते हो, लिटरली लगता है कि यार वो मेरी आंखों के सामने चल रही है. द वे यू प्रेजेंट द स्टोरीज, आई लव दैट. Thank you very फर्स्ट ऑफ much. ऑल आई वॉन्ट टू से दैट. Thank you very much. I'm truly humbled and truly grateful के लोगों ने जो है ना they love what we do. मैं बताऊँ honestly इससे मेरा कोई इतना ज़्यादा क्रेडिट है नहीं, बिकॉज आई ओनली हिट रिकॉर्ड. द किड दैट आई एम ट्रेनिंग ही इज़ माई नेफ्यू, सो ही एग्रीड और मैंने उसको 1 महीने में ट्रेन किया. तो जितनी भी मेरी वीडियोज़ आप देखते हैं ना एडिट हुई भी होती हैं, जो लोगों को Yes. पसंद आती है, वो सब अब्दुल्ला ने एडिट किए हैं. You are also doing good job and he's also doing a good job with you. I must say that. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. पर मेरे मन में क्वेश्चंस तो पहले से, सबसे पहले मुझे तो एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि आप सारी चीजें बोलते हो कि आप हिसार कर लो, इट्स ओके, आप किसी भी रिलीजन के हो, यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर शील्ड, आई नो दैट. पर ये जो लास्ट का जो आपका वर्ड होता है कि वॉशरूम और बाथरूम से रिलेटेड होता है, वो आप क्यों मना करते हो कि आप वॉशरूम में हो तो ना सुनो? इसके पीछे एक लॉजिक और रीजन क्या है? आई वॉन्ट टू नो दैट. जो सारी नेगेटिव एंटिटीज़ होती है ना, जो बुरी चीज़ें होती हैं, जिन होते हैं, जिन तो नहीं बोलेंगे बिकॉज जिन इन इस्लाम जिन इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी. जिन वो एंटिटीज़ होती हैं, बेसिकली सब जिन होते हैं, राइट? जिन वो एंटिटी होती हैं जो कि ओके. गुड होते हैं, दे आर ऑन द गुड साइड, दे आर कॉल्ड जिन. और जो द वंस ऑन द बैड साइड, जिनको हम इंग्लिश में डीमंस कहते हैं और उर्दू में जो है उनको हम शयातीन बोलते हैं, वो जो है उनका जो ठिकाना होता है ना, परमानेंट ठिकाना जो होता है उनका आपके घर में, वो बाथरूम होता है. फिर बाथरूम में बैठ के जब आप कुछ भी देखते हैं, ठीक है, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, कुछ भी देखते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर लिसनिंग टू समथिंग और वाचिंग समथिंग रिलेटेड टू देम, एंड एवरी टाइम यू पे अटेंशन टू देम, आप जब इनमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं ना, ये भी आप में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लेते हैं, और बाथरूम में आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. ओके, आपकी बात ऑब्वियसली यहाँ भी सेम वही चीज है. यहाँ पे इंडिया में, यहाँ अगर आप हिंदू रिलीजन से लिया जाए, तो यहाँ भी वॉशरूम्स को ऑब्वियसली बुरा ही मानते हैं इन दैट एस्पेक्ट, कि वहाँ पे ऐसी चीजें रहती हैं, दरवाजा बंद करके रखो, उसे खोला मत रहने दो, क्योंकि नेगेटिव पावर्स उसमें रहती है. इसलिए पुराने जमाने में भी हम वॉशरूम आई थिंक बाहर ही बनते थे, घर से बाहर, कि वो चीज दूर रहे घर के से. मे बी आई राइट और रॉन्ग? नहीं, यू करेक्ट. तो पुराने दौर के जो इवन जो जिस लाहौर में जो इंटीरियर लाहौर है और वहाँ पे जो पुराने जी आर्किटेक्चर है ना, वहाँ पे बाथरूम्स जो है छतों के ऊपर है, फॉर दिट्स वेरी रीज़न. पहले जो बाथरूम और पुराने जो घर बनते थे उसमें बाथरूम जो है बाहर ही बना करते थे, फॉर दिस वेरी ओके. रीज़न. मुझे
और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब जैसे अगर मैं अपना घर ले लूँ, मतलब मेरे घर पे ऑब्वियसली पूजा पाठ होती है, मेरी फ्रेंड है शी इज ऑल्सो मुस्लिम, उसके घर में हमेशा मतलब बहुत ही पाक तरह से रहा जाता है, उसकी जो दादी है वो हमेशा कुरान पढ़ती है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आप जब आपका पूरा घर एक प्योर चीज से प्रोटेक्टेड है, तो वो कैसे इंटर कर सकती है आपके घर में? व्हेन यू आर डूइंग वेरी गुड थिंग्स इन योर हाउस, आप कुरान पाक करते हो, एज ए मुस्लिम आप कुरान पाक करते हो, फिर और क्या होता है, मुझे लिटरली नाम ही आने आ रहा है, तिलावत कुरान करते हैं। खानी करते जी जी हो, जी जी हाँ कुरान खानी, क्योंकि मैंने कुरान खानी बहुत अटेंड किया अपने फ्रेंड्स के घर में, आई लव टू, आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट टाइम, तो हाउ कैन यू से दैट कि वो चीजें वहां से निकल क्यों नहीं जाती, जब आपके घर में इतनी चीजें अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, तो वो कैसे स्टे कर जाती है आपके वॉशरूम में, उनको तो वहां से निकल जाना चाहिए, ये कैसे आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो? ओके दैट्स अ वैसे तो आई फील लाइक जाकिर नायक आंसरिंग दिस क्वेश्चन राइट ना, बट आई आंसर इट फ्रॉम लॉजिक। ठीक है, मैं आपको बता देता ओके हूँ। देखिए, जब आप कुरान खानी करवाते हैं, एक तो इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग कि जहाँ पे अजान की आवाज़ आती है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं रहती हैं। और ये ना एक्सपीरियंस भी किया जा चुका है कि ऐसी जगह थी जहाँ पे जो आबादी बनने से पहले वो जंगल थे, और वहाँ पे एक इंसिडेंट से इंटीरियर पंजाब को मेरे पास ईमेल भी आया हुआ, स्टोरी भी आई हुई है कि वो जंगल था उनकी ज़मीनों के पास, और वहाँ पे एक डायन रहती थी या चुड़ैल रहती थी। ठीक है, और वो आते जाते लोगों को तंग करती थी, एंड शी वुड नॉक लोगों के दरवाजे रात को खटखटाती थी। और उस वक्त दिस इज़ बाय द वे पोस्ट पार्टीशन राइट। तो जब आबादी बनना शुरू हुई, मस्जिद बनी, अज़ान देना शुरू हुई, तो उसका असर जो है वो कम होना शुरू हो गया। अब इसकी ऑब्वियसली अज़ान इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। अब उसमें होता ये है कि अब जो द क्वेश्चन दैट यू हैव रेस्ड, विच इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि यार जब आपके घर में कुरान खानी भी होती है, घर में तिलावत भी पढ़ी जाती है, जब आपके घर में नमाज भी पढ़ी जाती है, तो ये बाथरूमों में कैसे रह जाते हैं? माई नॉट इन एवरी केस, हर केस में ना ये बाथरूमों में नहीं रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे बाथरूमों में नापाकी होती है, अनहोली थिंग्स, वो साफ़ नहीं होता बाथरूम। आप अगर आप आपकी काम वाली अच्छी तरह से भी उसको साफ़ कर देगी ना, स्टिल इट्स एन अनहोली प्लेस। दैट्स एग्जैक्टली द रीज़न बोला जाता है कि यार बाथरूम में वज़ू नहीं किया करें। ठीक है, वज़ू जो है ना, आप अलग से वज़ू खाना बनाए, बाथरूम में नहीं करें। तो वो दैट प्लेस इज़ अनहोली नो मैटर वॉट। इसी तरह बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि मस्जिद है और मस्जिद के बराबर में कब्रिस्तान है, तो मस्जिद की आवाज़ तो कब्रिस्तान में लॉजिकली जाती है राइट, लेकिन स्टिल दैट कब्रिस्तान इज़ हॉन्टेड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो देर हैज़ टू बी समथिंग, देर हैज़ टू बी समथिंग विच इज़ ऑफ कोर्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बट जहाँ तक मुझे लगता है ना कि नापाक चीज़ें समवेयर, जो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे नापाक चीज़ें, नापाक एंटिटीज़, देयर रूट्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे रिफ्यूज़ टू लीव। और ऐसे बहुत सारे पोजेशन केसेस भी हैं, मैंने जो भी हिस्ट्री में भी पढ़े हैं, और इवन गोरों के साथ जिनको हम क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, कि इतनी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं पोजेशन की कि द एंटिटीज़, द डीमंस दैट लिव इनसाइड द चाइल्ड, दे जस्ट रिफ्यूज़ टू लीव नो मैटर वॉट। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन और हिंदू और मुस्लिम डीमंस, वी आर डीम टॉकिंग अबाउट डीमंस, बिकॉज डीमंस का कोई रिलीजन नहीं होता, द ओनली एंटिटी दे फॉलो इज़ द सेटन हिमसेल्फ। तो नो मैटर वॉट दे डू, नो मैटर वॉट द डेड, नो मैटर वॉट प्रोसेस, कोई किसी भी किस्म का प्रोसेस उन्होंने किया, बट द डीमंस दे जस्ट रिफ्यूज़ टू लीव द पुअर चाइल्ड। तो कुछ की रूट्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो जो है ना छोड़ने को चाक तैयार, भी नहीं हाँ सकती। हाँ वो छोड़ने को तैयार भी नहीं होती हैं। एंड दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी स्ट्रांग, नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव एनर्जीज आर वेरी स्ट्रांग, और टू इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ देम यू नीड अ वेरी स्ट्रांग, अ वेरी एजुकेटेड, एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड ऑल, वेरी बहुत पढ़े लिखे, तमीज़ वाले, सुलझे हुए, या बहुत काबिल, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं राकी, की ज़रूरत होती है। राकी इज़ द पर्सन जिसने जो कि ये इनको बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई हो एंड बहुत डिटेलिंग की हुई हो, जी 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 लाइफ जो बोले इनको भगाने में। जी 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 यस इट्स लाइक द एक्सोसिस्ट, इनको हम उर्दू में राकी बोलते पर
पर मेरे हिसाब से, अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आई कैन डिनाई दैट थिंग, क्योंकि आजकल की लाइफ में, मतलब आजकल की लाइफ में लोग पैसे ज्यादा लेते हैं और आपकी हेल्प बहुत कम करते हैं, तो आजकल की लाइफ में ये बहुत कम हो गए, कम क्या, आई थिंक कि ये खत्म ही हो गए. आज जहां भी जाओ बस आप पैसे दो, पैसे दो एंड पैसे दो, आपको बहुत ही रेयर मिलते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे. दैट्स अ मतलब बाकी तो बिजनेस. आज बिजनेस, ऑब्वियसली इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री, कोई भी दुनिया, कोई भी कोना हो, आजकल लोग सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में है कि बस भाई पैसे बन जाए, लोग जिए मरे, दे डोंट थिंक अबाउट दैट थिंग. आपको मैं एक ये मज़े मेरा की बात पॉइंट ऑफ व्यू बताता है. हूँ माया, बहुत मज़े की बात बताता हूँ एंड द ऑडियंस लिसनिंग. आप कभी यूट्यूब को यूट्यूब लॉग इन करें, यस बट इनकॉग्निटो मोड में यूट्यूब को देखें, स्पेशली इफ यू इन पाकिस्तान. आई डोंट नो अबाउट इंडिया, ठीक है. इनकॉग्निटो मोड में आप यूट्यूब को देखें, और इनकॉग्निटो मोड में आप यूट्यूब पे ब्लैक मैजिक से सर्च करें. थोड़ी देर में यू विल स्टार्ट गेटिंग एड्स इन पाकिस्तान, स्पेसिफिकली जादूगरों के एड्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर. फला बाबा, और पता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी है, आई विल टेल यू दिस द फनी पार्ट बाय द वे, कि हम लोगों के दिमाग में कि अगर वो जो बाबा है जादू करने वाला, अगर उसका नाम विलियम्स है, उसका नाम पीटर है, उसका नाम पत्रस है, मीन्स वो क्रिश्चियन है. अगर वो क्रिश्चियन है तो उसका ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रांग है. अगर उसका नाम हिंदू नाम है कोई भी, बुनेश है, उसका नाम बाबा फला बाबा, रवि है, हर कुछ भी है, क्या अब है. ये आई डोंट थिंक रवि इज़ अ वेरी कॉमन नेम इन पाकिस्तान, बट मैं एक बात कर रहा हूँ बंगाली बाबा या हिंदू हिंदू जादू में यहाँ आता भी है. फेमस है बंगाली हाँ, बाबा, तो जो है ना, यहाँ तो भी वो फेमस है. हाँ, तो लोगों के जो है ना दिमाग में वो एक ऑटोमेटिकली आ जाता है कि यार इसका जो ब्लैक मैजिक है ना बहुत स्ट्रांग है. एंड देन में बहुत अच्छा क्वेश्चन, होगा, वो तुरंत हटा देगा. हाँ, और देन द फर्स्ट क्वेश्चन, द साइकोलॉजी दैट आई वांट टू नो, एंड आई वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द इन देयर ब्रेन. जो लोग वो एड एक्चुअली बाय करते हैं देखने के बाद, दे रीच आउट टू दोज पीपल कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स, कि तुम एक्चुअली उसको बाय कर रहे हो, वो जो तुमको बेच रहा है, तुम्हें वो ब्लैक मैजिक इतना गंदा वाला चाहिए कि तुम जो है वो उसको, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि तुम्हें या गंदे आई से कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू गंदा मीन. जादू करने वाला चाहिए बंदा, सो दैट आपका जो गलत मकसद है वो जल्दी जल्दी फुलफिल हो सके. ऑब्वियसली आजकल की लाइफ में लोग यही तो कर रहे हैं. मतलब मैंने इन चीजों से एक चीज सीखी है, लाइक ए बाबा, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल बाबास बैड और ऑल मौलवीज आर बैड. मैंने बस एक चीज सीखी है इन चीजों को देख देख के कि अगर आप में विल पावर है, क्या पता मैं, आई एम सेइंग अबाउट माई सेल्फ, कि क्या पता मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो मैंने देखा या सो मैंने महसूस किया है. इफ माई विल पावर इज स्ट्रॉन्ग, इफ माई मेरा बिलीव गॉड पे बहुत ही अच्छा है, तो नो वन कैन हार्म मी. आई विल से दैट फॉर ब्लैक मैजिक और एनीथिंग, मुझे कोई बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपका खुद का विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपको ऊपर वाले पे यकीन बहुत ही ज्यादा डीपली है, तो नो वन कैन हार्म यू एंड नो एंटिटीज कैन टच यू. इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है. इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम सेइंग, क्या पता मैं गलत भी हो सकती हूँ, मे बी नॉट, राइट. तो आपकी जो पोजिशंस एंड ये जो आपने एक डाइन की बात बोली, तो मुझे एक स्टोरी याद आई इसी चीज से, अबाउट ब्लैक मैजिक. आपने जो डाइन वर्ड यूज किया उससे मुझे बहुत अच्छी स्टोरी आई, कि जो मेरे खुद की कजन के बारे में, मेरी दूर कजन है, मतलब उसका रिलेशन मैं आपको बताती हूँ कैसे है. वो बेसिकली दिल्ली में बेस करती है, पर वो भी मुंबई में शिफ्ट हो गई. तो मैं उनकी पूरी डिटेल बताती हूँ कैसी कजन है, तब तो आपको समझ में आएगा. वो मेरी, मतलब जो मेरी मम्मा है उनके कजन की बेटी है, लाइक वो मतलब खाला की बेटी हुई, मेरी मॉम की खाला की बेटी की बेटी, ऐसे रिलेशन है. आप समझ रहे हो कैसा रिलेशन हुआ, मतलब मेरे मॉम की कजन की बेटी है वो, सो मॉम के कजन, सो मतलब शी इज योर कजन राइट बेसिकली. हाँ शी, ये वो मेरी कजन है, मतलब दूर की कजन हो गई. तो वो मुझसे आई थी, वो मुझसे बड़ी थी, लाइक 10 इयर्स 12 इयर्स बड़ी थी. तो शी इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऑब्वियसली मेरी बहन थी, आई नो हिम एंड आई एम सॉरी आई नो हर. वो बहुत अच्छी थी, शी इज ऑल्सो ए डॉक्टर दैट टाइम 2010. तो उनकी शादी हो गई दिल्ली में, मतलब जो शादी हुई
वो भी वो जो बंदा था वो बैंक के जॉब करते थे। और मैं आपको बताती हूँ, उनकी शादी नॉट ए लव मैरिज, वो अरेंज मैरिज थी, लाइक दैट की जो उनकी जो मम्मा थी, मतलब मेरी जो कजन की जो मम्मा थी, उन्होंने अपनी फ्रेंड की फ्रेंड के बेटे से करा दी शादी, लाइक दैट काइंड ऑफ रिलेशन था उनका। शादी वादी हो गई, एवरीथिंग, मतलब लड़की को लड़का पसंद है, लड़का को लड़की पसंद है, ऐसा कुछ नहीं था कि बिना किसी मतलब जबरदस्ती की शादी हुई है। जबरदस्ती की बिल्कुल ही शादी नहीं थी। हैप्पी ओके नहीं थी, बिल्कुल ही हैप्पी फैमिली जिसको बोलते, यार शादी हो गई, इट वाज एन ठीक है। अरेंज टू थाउजेंड इट वाज अ प्रॉपर अरेंज मैरिज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रॉपर अरेंज मैरिज, जो मेरी कजन को भी पता था कि मेरी मम्मा ने इस लड़के को पसंद किया है, एंड लड़का को भी पता था कि इनसे शादी करने वाली है। एवरीथिंग इज वेरी फिट एंड फाइन, बहुत अच्छे से सब चीज हो गया। आफ्टर दैट क्या होता है, 1 साल 2 साल आराम से, जो आप बोलते हो ना कि हैप्पी फैमिली हो रही है, सास है, ससुर है, बेटा है, ननद है, ननद की शादी हो गई उसी बीच में, चलो ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरे जीजू थे, जो उनके हस्बैंड थे, वो बैंक में थे, तो उनकी पोस्टिंग हो गई आपको दिल्ली से बॉम्बे, ठीक है। तो पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई बॉम्बे, तो मेरी दीदी को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मेरी कजन को, कि उन्होंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया बॉम्बे में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था यहाँ, उन्होंने ज्वाइन, आई कांट से द नेम, यू नो व्हाट आई मीन टू से द हॉस्पिटल नेम, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनका भी टाइम पास हो रहा है, हस्बैंड इज वेरी ओपन माइंडेड, कोई बात नहीं, उनकी सास सब कोई ओपन माइंडेड थी, बिल्कुल उनको अपनी बेबी की तरह रख रही थी, एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड, सब चीज बहुत अच्छे से चल रहा था। मतलब फिर आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर मेरे सिस्टर को एक चीज मतलब पिंच करने लगी, क्या करने लगी, उनके हस्बैंड का रवैया उनके तरफ बिल्कुल ही चेंज हो गया, लाइक छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, मतलब बहुत ही ज्यादा लड़ाई होना, एवरीथिंग होना। तो मेरी दीदी ने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉम्बे से वेरी बिग सिटी, आने जाने में काम का प्रेशर हो जाता है, कोई बात नहीं, एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 3 महीने 4 महीने, अब तो रूटीन ही बन गया कि अगर वो पानी के लिए पूछे तो उनको 10 गालियां मिलती थी, यू नो व्हाट आई मीन टू से दैट। इस टाइप की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो मेरी दीदी ने इग्नोर किया, कोई बात नहीं, वो अपना हॉस्पिटल ज्वाइन किया, उन्होंने हॉस्पिटल हॉस्पिटल अपना करना शुरू कर दिया। एक बार क्या होता है, एक बार बैंक, जो उनके बैंक के स्टाफ थे, उनकी डिनर पार्टी थी, मेरी जीजू ने एक डिनर पार्टी दिया था घर पे, तो उसमें बहुत सारे उनके कलीग्स आए, फ्रेंड्स आए, सबने डिनर हुआ, उसमें एक लेडी थी, एक बहुत ही होता है ना कि इतने फ्रेंड्स में सिर्फ वही की उसी को क्यों इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, दैट कोई बात नहीं होगी, बेस्ट फ्रेंड भी इतनी चीज है, वेरी ओपन माइंडेड, सबको इतना, आजकल की लाइफ में कौन इतना लड़का लड़का किसी को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उन दोनों में कुछ चल रहा है, राइट, ये पूरा ये तो 19 और 17 सेंचुरी तो है नहीं कि लोग इतना डिटेलिंग जाएंगे, ये मेरा हस्बैंड है तो ये इसको क्यों टच कर रहा है, ऐसा उनके मन में कुछ नहीं था, लाइक दैट काइंड ऑफ सीन, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो गई सब चीज। उसी के मतलब बीच में आफ्टर फ्यू डेज शी इज प्रेग्नेंट, दिस इज हाउ सॉरी एंड शी सॉरी इज सॉरी माय आई वांट टू आप प्लीज या कंटिन्यू कर लिए। दिस इज हाउ मेनी इयर्स दिस वाज इन द मैरिज। कितने साल हो गए थे शादी को जब ये बात हुई? शादी को 3 साल हो गए थे, मतलब और बेबी अभी तक नहीं हुआ? 2010 या मतलब उनको सेटल होना था, एक होता था ना पहले की लाइफ में कि मुझे शादी के 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, ऐसा कॉन्सेप्ट पहले का था, तो वो 3 साल के बाद उन्होंने प्लान किया था, मुझे नहीं पता डिटेलिंग, पर 3 साल के बाद उन्होंने कंसीव किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनको ट्विंस बेटियां हुई, मैं ऑब्वियसली अभी भी वो बेटियां, ऑब्वियसली मैं उनकी मासी हूँ, तो ऑफ अभी भी कोर्स वो मेरे सामने, दे आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, जिसको बोलते हैं डॉल की छुओ तो लाइक दैट ऑफ बेबीज शी इज हैविंग, ठीक है, बेबीज हो गई, एवरीथिंग इज फाइन। फिर क्या हुआ कि अब उतना मुझे डिटेल लिटरली पता नहीं, जितना मुझे बताया गया, जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से आई एम टेलिंग यू, कि मतलब उस पार्ट्स में क्या, ड्यूरेशन में क्या हुआ, मुझे इतना डिटेल नहीं पता। फिर मेरी मम्मा मुझे ये बताती है, एंड शी वॉज सो ब्यूटिफुल, मतलब एक होता है ना कि अगर आपकी वाइफ इतनी सुंदर है तो आप मतलब हाउ कैन यू ट्रीट दैट वुमन, शादी के बाद भी वो असॉल्ट था, बेबीज होने के बाद भी वो, मतलब अब वो जो
आप वर्ड से जो आप उनको पिंच करते थे, आप उनके हस्बैंड उनको हाथ से पिंच करने लगे, लाइक ओ मारपीट जिसको बोल सकते हैं, लाइक फिजिकल असॉल्ट, अब्यूज फिजिकल वो भी असॉल्ट होने लगे और सास ससुर भी असॉल्ट करने लगे. ओ मतलब नेवर नो, बट सास ससुर भी शुरू हो गए. आफ्टर फ्यू डेज मेरी, जब भी मेरी दीदी सोती थी, जैसा मामा बताते हैं, उनको सपने में उनके उनको यही सपना आता था कि उनके सास ससुर और हस्बैंड उनको मार रहे हैं, लाइक बाल पकड़ के मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, कैसे भी मार रहे हैं. पर उनको हमेशा ऐसा लगता था कि आप जैसे एक छोटे बच्चे को आप कैसे अपनी पीठ पे बिठाते हो और आपको पीछे से देखता है. यू नो व्हाट आई मीन टू से, मैं यस क्या कहना चाहती हूँ, यस कि आप छोटे बच्चे को ऐसे, आपका छोटा बच्चा ऐसे देखता है उचक उचक के कि आगे. तो उनको एक एंटिटी दिखाई देती थी उनके सास ससुर के पीछे, कभी वो जंप करके उनके सास पे, कभी वो जंप करके उनके हस्बैंड पे. वो एंटिटी ऐसे छोटे बच्चे की तरह देखती थी उनको, उनको उनका कोई शेप, उस बंदे का कुछ चीज कोई शेप नहीं था, लेकिन बस वो देखती थी कुछ दिख रहा है. अब वो स्केन कैसे करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है. उनको बस ऐसा लगता था कि उनके पीछे से कोई उनको देख रहा है मारते हुए, और वो स्माइल कर रहा है. स्माइल कैसा कर रहा है, एक क्रीपी जोकर नहीं होता है, लाइक क्रीपी जोकर हंसते हुए, तो उनको वो दिखता था. और फिर आफ्टर दैट, बहुत ही पढ़ाई करने के बाद, बाबाओं के जाने के बाद, उनको पता चलता है, वो खुद उनके हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मैं इस बंदी से प्यार करता हूँ, जो वही बंदी जो उनके पार्टी में जिसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था बैंक में. हेलो. या आई एम लिटिल मैं सुन रहा हूँ प्लीज हाँ, मैं आई एम लिटिल शॉक्ड तो वो जो, हाँ, तो वो उनको बाद में पता चलता है कि वो उनको डिवोर्स लेना चाहती है आफ्टर टू बेबीज. आप सोच रहे हो बेबीज भी 6-7 महीने की होगी, साल लगने वाला है कुछ दिनों के बाद. नहीं बॉन्ड डिवोर्स, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, ये वो, तुम अपनी बच्चियों को लेकर चली जाओ, लाइक दैट काइंड ऑफ सीन, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, ये वो. एंड शी, एंड वो जो लेडी थी उसका खुद का एक बेटा था 1 साल का उस टाइम, एंड शी वाज डिवोर्स्ड फ्रॉम कैलकटा, उसकी भी पोस्टिंग यही हुई थी. फिर बहुत जब मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे क्या पता चला, ये सारी सीनरी होने लगी. अब मेरी जो सिस्टर की जो सास ससुर थी उनकी, वो हद से क्रॉस होने लगे. अब वो हाथ से नहीं मारते थे, वो घर के सिप टिपिन या कीलों से उनको चुभाते थे सर पे, लाइक मारने वक्त उनको सर पे ऐसे चुभोते थे कि मतलब वो मेंटल हो जाए सास तो ससुर. माया माय क्वेश्चन कि इनके ये कजिन उन्होंने कभी अपने घर वालों को बताया नहीं कि व्हाट शी इज गोइंग थ्रू उन्होंने कभी नहीं बताया, मतलब उसके पीछे रीजन है, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई. मतलब शी इज हैविंग, मतलब उसके बाद वो, मतलब क्यों नहीं बताया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये था, शी इज हैविंग सम ब्लैक मैजिक. वो बाद में पता चलता है कि वो इतनी, मतलब उनपे इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक था कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी. मतलब फोन करना तो बहुत दूर की बात है, दैट काइंड ऑफ सीन. हस्बैंड से हमेशा बात होती थी उनके, मतलब उनके इन-लॉज की, ऐसे होता था कि हाँ ठीक है, उनसे बात करा दी, हाँ बीमार है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी उनके. मतलब ऑब्वियसली अगर मेरी मॉम, अगर मेरी शादी अपनी बेस्ट फ्रेंड से कराती, अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे से कराती है, तो ऑब्वियसली नो वन कैन, कि मेरी फ्रेंड मेरी बेटी को ऐसे मार रही है, किसी को भी नहीं लगेगा, राइट? वैसे सिनेरियो था. तो फिर उनको सुइयों से चुभाया जाता था, पिन से चुभाया जाता था सर पे, लिटरली सर पे, लाइक पिन 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 पिन, कि वो मेंटल हो जाए, पागल हो जाए. और दोनों बेटियां उसी माहौल में उनके साथ थी, अब वो इतनी ज्यादा वीक हो गई थी, अपनी बेटियों को नहीं संभाल पा रही. फिर वो लेडी आती है, लाइक दैट वीआईपी ट्रीटमेंट वाली लेडी आती है, वो ऐसी, उसने ग्रिप बना लिया था, क्लच ले लिया था, मतलब वो उस घर के बिजली बिल या दूध का बिल भी चेक करती थी. अच्छा, यू नो व्हाट आई मीन, इतना उसने डीपली ग्रब बनाया हुआ था उस घर में. और मेरी जो कजन थी वो बिल्कुल ही एक बेड पे कोने में पड़ी रहती थी, बच्चे रो रही हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. फिर उसके बाद उनकी हालत ऐसी खराब हो गई, उनको मेंटल हॉस्पिटल में, लिटरली उनके ससुराल वालों ने डाल दिया कि अब ये
ऐसी हो गई। फिर बाद उनके घर वालों को बताया गया, वो तो अपने आप को मारती थी, अपने ही सर पे चुया सुइयां चुभोती थी, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब वो इतनी क्रूअल आई। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि सास ससुर बुरे नहीं थे, दे वर मतलब अंडर एक स्पेल. मैजिक, अगर आप अ स्पेल, बिकॉज ऑफ स्पेल, कि वो स्पेल इतना स्ट्रॉन्ग था, और वो जो एंटिटी जो भी था उनके ऊपर या नीचे कहीं से जो दिखता था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो प्रूव करने के लिए उसने एक बेटी, उनकी बेटी के भी हाथ पे भी कट लगा दिया। सोचे आप, कि लिटरली लगे कि हाँ इसकी माँ ने इसको मारने की कोशिश की है। दैट ओ एंटिटी वाज दैट मच ऑफ क्रीपी। मतलब वो शक उस पे नहीं जाए, शक उसी पे जाए, हाँ मेरी बेटी पागल हो गई है, मेरी बेटी ऐसे कर रही है। सबको ये लगता था कि हाँ चलो ठीक हो जाएगी। वो ऑब्वियसली वो रही मेंटल हॉस्पिटल में 4 इयर्स, 4 इयर्स रही। लाइक उन्होंने अपनी, फिर ये जो दोनों बेटियां जो उनकी थी, वो आ गई अपनी नानी के यहाँ, कि उनके हस्बैंड ने बोला कि मैं तो नहीं पाल सकता, आप कुछ दिन अपने पास रख लो। एंड आफ्टर दैट वो बंदी का उस घर में आना जाना, लिटरली ऑब्वियसली जो उसको चाहिए था वो तो वैनिश हो गया, आउट कर दिया उसने उसको, मेरी कजन को। कजन मेरी मेंटल हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में भी उनको, वो हमेशा यही बोलती रहती थी कि वहां की दूर पे, मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी बैठी रहती, कोई पे देखो वहां पे कोई बैठा हुआ है, वही जो मेरे घर पे मुझे दिखता था, मेरी सास के ऊपर जो दिखता था वो देखो अभी भी हंस रहा है। लाइक उनको एंटिटी हमेशा दिखती रहती थी, सपने में हो या लिटरली हो। बाद में पता चला कि वो पागल, वो ऑब्वियसली अगर आप ये सब, जब उनके एक स्टेज पे आने के बाद लोगों को एहसास होता है कि नहीं वो सच बोल रही थी, वो झूठ नहीं था, ऑब्वियसली शुरू में तो ये लगे ना कि पागल है। ये सब हुआ, आफ्टर दैट वो पास अवे, शी पास अवे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। अब कैसे हार्ट अटैक आया, क्या आया, मेंटल हॉस्पिटल में कौन सा डोज पड़ा, नहीं पता। शी पास अवे, वो खत्म हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट उसके कुछ महीनों के बाद, लाइक ये सब होते होते 1 साल हो गया, लाइक 12 से 13 आ गया, 13 मार्च या अप्रैल की बात है, उनकी डेथ हो गई। 13, 3 4 साल शादी चली, बेटियां उसी में थी, बेटियां भी हो गई, बेटी तो उससे आप सोच लो 10 साल 11 साल की तो बेटियां ही उनकी हो गई हैं अभी के टाइम में। आफ्टर उनके डेथ के बाद उनके सास ससुर के साथ भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ। वो जो लेडी थी, पता चला कि उस लेडी ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक कराया था, उनकी माँ ने कुछ पता लगाया बाबाओं से एंड पीर वालों से कि आपकी बेटी पे तो बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक, कलकत्ता का जादू है, बंगाली जादू है, जो अरे आपने बंगाली लैंग्वेज, ये व्हाई इज दिस कलकत्ता का मैजिक सो फेमस. कलकत्ता का मैजिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कलकत्ता का जादू बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो भी ब्लैक मैजिक सीखा जाता है वो सारी इंडिया में, अगर आपको ब्लैक मैजिक सीखना है या तंत्र जिसको बोलते हैं, जी तंत्र सीखनी है या सिर्फ, वो आपको कलकत्ता में ही मिलेगा। नहीं, छोटी से छोटी चीज पे ब्लैक मैजिक हो सकता है इतना कॉमन जी। है, इतना कॉमन है. देख मैं बताया, कोलकाता मीन टू से होपफुल बंगाल, फुल बंगाल. नॉट ओके सॉरी, नॉट स्पेसिफिकली कोलकाता. कलकत्ता, फुल बंगाल, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेस है बंगाल, कि वहां से आपको, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया पीपल गो एंड लर्न द तंत्र विद्या, दैट काइंड ऑफ सिंग। व्हाट्स द एक डिफरेंस मतलब बिटवीन आप आसाम में, ओके व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यस फॉर द ऑडियंस, राइट? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन तंत्र विद्या एंड ब्लैक मैजिक? सी, तंत्र विद्या फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, तंत्र विद्या एंड ब्लैक मैजिक आर नॉट डिफरेंट। वही चीज होती है कि अगर आप एक पावर को किस हिसाब से यूज कर रहे हो, जो प्रोसेस, जो सीखने का प्रोसेस होता है, अगर आई एम ए रॉ पर्सन, मेरे दिमाग में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नहीं, आई एम गोइंग एंड मैं वहां जा रही हूँ, वहां सीख रही हूँ, वो तंत्र विद्या सीख रही हूँ, मतलब वो प्रोसेस सीख रही हूँ उस चीज को करने का, राइट, कि आप उस पावर को कैसे अपने में इनबिल्ट करते हो, कैसे करते हो, वो तंत्र विद्या होती है। तंत्र इज नॉट ए बैड, वो चीज हमने उस चीज को बुरा बना दिया है। तंत्र इज नॉट ए बैड, तंत्र मीन टू से दैट की टूल, कि मतलब एक तंत्र, मतलब कैसे आप किसी चीज को यूज कर सकते हो। पर आजकल की लाइफ में और मूवीज ने उस चीज को इतना बुरा दिखा दिया कि तंत्र विद्या इज ए ब्लैक मैजिक। नो, तंत्र इज नॉट ए बैड, आप उस चीज को कैसे यूज कर रहे हो, दैट इज
कॉल्ड अ बैड थिंग फ्रॉम दिस. द मेन डिफरेंट इज दैट तंत्रिक मतलब एक क्या बोलते हैं आप, एक लर्निंग क्लास है कि आप जाते हो सीखते हो फिर बाहर आते हो. आप उसको कैसे यूज कर रहे हो फॉर, जैसे आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, ताहा इज अ पॉजिटिव पर्सन, उसने भी एक तंत्र सीखी, वो जा रहा है लोगों की हेल्प कर रहा है उस तंत्र विद्या से, राइट. पर उसी का एक फ्रेंड है वो भी तंत्र सीख रहा है पर ही इज डूइंग अ ब्लैक मैजिक, डूइंग अ बैड थिंग. तंत्र तो वही है पर यूज कैसे कर रहे हो दैट इज अ मेन थिंग, राइट. तंत्र इज बस इज एजुकेटेड एजुकेशन हाउ टू लर्न द पावर, राइट, हाउ टू लर्न द पावर. तो अगर आप सर्च करोगे बंगाल का जादू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा, अगर यहाँ आप पे इसको कितना भी बंगाली चाहोगे. जादू, पाकिस्तान में इसको हाँ, बंगाली जादू बोलते हैं. और यस यहाँ भी बंगाली जादू बोलते हैं बंगाल की, यहाँ तो लोग मतलब बंगाली चीजों से डरते हैं, यार बंगाल का है इसको जादू आता होगा. मतलब नॉर्मल बंदे को भी लोग यहाँ पे यही टोन मारते हैं, अरे ये तो बंगाल का है इसको भी जादू आता होगा. मतलब ऐसा तो है ना कि हर बंगाल के अच्छा, लोगों को जादू आता बाय द होगा. वे, प्लीज, नो नो, मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ. नो ऑफेंस टू एनी बंगालीज, हमारे बांग्लादेशी या लोग ऑब्वियसली एवरीवन सुनते इज हैं, गुड, ठीक है. प्लीज, नो नो ऑफेंस टू एनी पीपल फ्रॉम बंगाल, बांग्लादेश, और जो पाकिस्तान में बहुत सारे बंगाली हैं और इंडिया में बहुत आई सारे. एम नॉट नो ऑफ, ऑफेंस या टू एनी ऑब्वियसली यू आर वन, सेइंग, इस जो हम जनरल बात कर रहे या हैं. आप एक प्लेस सर्च करना आसाम में गुवाहाटी, ठीक है, वहां पे कामाख्या देवी का मंदिर है. जी, हाँ, मैं पर सर्च ओके कर चुका हूँ, बट प्लीज़ प्लीज़ आप या ऑडियंस को बताएं आप. ओके, कामाख्या देवी का मंदिर, वहां आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, लाइक एक शेप नहीं मिलेगा वहां पे आपको, लाइक जो मतलब उसके लिए भी बहुत ही डिटेल जाना पड़ेगा, लाइक उसके पीछे भी कहानी है, तो वो बहुत ही ज्यादा डीप हो जाएगा जाना. तो तभी मैं आपको बता देती हूँ, लाइक जो देवी, मैंने आपको स्टोरी अपने पिछले रिकॉर्डिंग में आपको जो मैंने देवी का स्टोरी सुनाया था, माँ काली का, मैंने आपको बताया था. तो एक टाइम पे ऐसा टाइम हुआ था, बहुत लंबा स्टोरी है तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ. किसी रीजन से उनकी डेथ हुई थी, एक उनकी डेथ होने के बाद उनकी बॉडीज के 51 पार्ट्स हुए थे, राइट. वो अलग अलग पोर्शन पे गिरे, लाइक आपकी हिंग उधर जो एक कोई पहाड़ है पाकिस्तान में, वहां पे एक बहुत पुरानी देवी का मंदिर है पाकिस्तान में भी, वो जी, भी उसकी का हिस्सा है, वो 51 पार्ट्स का एक हिस्सा है. ओके जो मैं अब आई एम टेलिंग अबाउट ओनली कामाख्या ओके स्पेसिफिकली, वहां पे क्या है, वहां पे जो देवी माँ का लाइक कैसे मैं, गुप्त अंग लाइक यूट्रस वहां ओके गिरा, ओके ऐसा बोला जाता है. मतलब ऑब्वियसली अगर आप एक लेडी की बॉडी को दिखाएं दैट इज ए मोर पावरफुल, बिकॉज वहां से एक न्यू बर्थ होता है, ऑफ राइट. कोर्स या इट्स अ वेरी पावरफुल फ्रॉम स्पिरिचुअल ऑल्सो, इट्स अ वेरी पावरफुल एंड नॉर्मल प्रैक्टिकल वे ऑल्सो. वहां से एक बॉडी एक बेबी आता है, तो उस पार्ट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल तंत्र विद्या में बोला जाता है कि आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी हो. सिद्धि मीन टू से मतलब सिद्धि मतलब एजुकेशन है, एजुकेशन को नॉलेज संस्कृत में सिद्धि होता है, नॉलेज नॉलेज प्राप्त करनी है. तो अगर आपको आपने प्राप्त कर लिया हो, वहां जाए, वहां पे जाके साधना करें, मेडिटेशन करें एंड जो भी उनका आपका रिचुअल है वो करें, तो आपको चीज पावर मिलता है उस जगह से. अभी फाइंड आप करोगे जून में, ये जो जून आता है इसमें 3 दिन का वहां पे फेस्टिवल होता है, ठीक है. वहां पे ये माना जाता है कि वो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो पूरी लाल हो जाती है, पूरी लाल, लगता है कि किसी लेडी किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है, ओके राइट. उसके उसके रीजन से वो मंदिर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, माना जाता है. वहां पे एक बहुत ही सफेद कपड़ा उस पोर्शन पे रख दिया जाता है मंदिर के अंदर जहां पे वो चीज मतलब है, उसके ऊपर से पूरा कपड़ा बिछा के 3 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है. जब वो दरवाजा 3 दिन के बाद खोला जाता है, वो जो सफेद कपड़ा है वो बिल्कुल ही लाल निकलता है, बिल्कुल ही रेड. तो फिर वो क्या होता है, वो चादर को जब वो वहां के पंडित होते हैं वो निकाल के फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और सबको प्रसाद की तरह से दिया जाता है. दैट इज अ वेरी पावरफुल थिंग फ्रॉम ऑल दिस तांत्रिक एंड ऑल.
तो वो उस चीज को लेके उनको सिद्धि होती है, वो बहुत बड़ी पावरफुल चीज होती है, क्योंकि उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की चीज होती है, तो ऐसा माना जाता है कि सारी ताकत उसी में होती है। तो जो बंगाल का जादू होता है, इट्स वेरी स्ट्रांग जादू, वेरी वेरी स्ट्रांग। कि अगर आप अगर आपको किसी ने बंगाल की तरफ से जादू किया है, या आपको मतलब किसी तांत्रिक ने ये चीज किया है, तो हटाई नहीं हटती है, दैट काइंड ऑफ जादू होता है। बहुत उनका जादू स्ट्रांग माना जाता है इंडिया में भी, और बहुत लोग डरते भी हैं, सबसे नहीं डरते हैं, पर जो होते हैं उसे तो भाई डर लगता ही लगता है, मैं भी क्यों ना हूँ। वो छोटी से छोटी चीजों पे जादू कर सकते हैं, लाइक वो आपके बालों पे भी कर सकते हैं, इसलिए हमेशा बाल यहाँ लोग थोड़ा सा थूक के फेंकते हैं। नहीं भी पाकिस्तान में भी ऐसा होता होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने यहाँ जैसे सुना, अगर मैं यहाँ पे बाल मैंने सुना है अगर ऐसा। मैं यहाँ बाल झाड़ू, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसी से मुझे एक बात आई। मेरी मम्मा, पहले मेरी हैबिट थी ना जैसे मैं झाड़ू वहां से फेंक दू, फिर मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि नहीं, कभी भी बाल जब भी तुम झाड़ो तो उसे थू 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 करके फिर फेंका करो। ऐसा बोला जाता है कि बाल से भी जादू ऑब्वियसली होता है, ऑब्वियसली, जिसका होता है। बिकॉज हाँ आपके जो डीएनए है उसको वूडू डॉल के ऊपर जो है वो बाइंड किया जाता है। डीएनए, व्हेन आई से डीएनए, लाइक आपका बाल हो सकता है, आपका थूक हो सकता है, आपके नाखून हो कुछ भी हो सकते हैं, सकता है। आपके कपड़े उतरे हुए हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। पता ही, अगर उस बंदी ने उनके हस्बैंड पे वो मैजिक किया था, तो उन्हें कुछ ऐसा उसको दिया होगा जिसकी वजह से उन्होंने सब पे जादू किया, मेरी बहन पे भी किया। फिर मेरे हस्बैंड बोल रही हूँ, सॉरी, मेरे जो जीजू थे उनकी नौकरी चले गए एनी रीजन, पर वो भी एक चीज बोलते थे बाद में, वो भी एक चीज बोलती थी, उनकी छत पे ना, लाइक वो जब भी घर में शाम में आते थे, अपने घर आते थे, या उनकी सास आती थी, उनकी छत पे ना कोई लेडी दिखाई देती थी, लाइक लेडी स्टैंडिंग आफ्टर माई मतलब सिस्टर डेथ, बहुत दिनों के बाद उनको उस छत से ना मतलब कोई खड़ी मतलब लेडी, और सबसे ऊपर वाले छत पे एक अजीब सा जो बौना जो मैंने आपको बताया था, जो मेरी सिस्टर को दिखाई देता था, लाइक जो हंसते हुए जी, द जो एक एंटिटी आपके सिस्टर के एंटिटी, इन-लॉज या के पीछे। सिस्टर को दिखाई दे रही थी, जो सिस्टर ने कभी नहीं बताई थी अपनी सास ससुर को, वो उनके डेथ के बाद वो उनको एक लेडी दिखाई दे रही थी सबसे नीचे वाले छत पे, और सबसे ऊपर वाली छत पे उनको ऐसा छोटा सा एंटिटी हंसते हुए दिखाई देता था कि हंस रहा है कोई। अब वो कॉमन था, वो दोनों, वो पहला वाला एंटिटी आई डोंट नो कौन था, पर दूसरा एंटिटी तो ऑब्वियसली दैट इज ब्लैक स्पेल। अब ब्लैक स्पेल जैसा वहां के पंडितों ने बोला है, वो अभी भी उनके घर में है, पर टच वर्ड गॉड ग्रेस, उनकी जो दोनों बेटियां हैं वो अपनी नानी घर में, वो बहुत अच्छे से, बेटियों को इसलिए नहीं बताया गया जैसा मेरी मासी बोलती है कि उनको ये डर है कि वो स्पेल उन पे ना आ जाए, नहीं, या वो कभी भी इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आप कंटिन्यू करें, फिर और मैं आपको। अब मुझे नहीं पता वो जैसा, ऑब्वियसली वो अपनी एक बेटी को खो चुकी है, उनकी एक लौती बेटी थी, वो नहीं चाहती कि उनकी जो दोनों नातिन है, ऑब्वियसली किसी को भी डर लगेगा। हमारी फर्स्ट या सेकंड वीडियो थी, इनफैक्ट जब हम रिसर्च कर रहे थे, जब व्हेन आई वाज रीचिंग आउट टू पीपल, बिकॉज उस वक्त तो हमारा चैनल न्यू था ये वाला, और इसमें जो है लोग अपनी स्टोरीज सबमिट नहीं करते थे, तो वी वर रीचिंग आउट टू पीपल, और हमें जो है ना वो ट्रू स्टोरीज और लोगों का एक्सपीरियंस लाने देते। तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, शी केम फॉरवर्ड, और उन्होंने मुझे वो स्टोरी जो है वो 2018 में सुनाई थी। उनके हस्बैंड मर गए थे, उनके दो बच्चे थे। शी इज़ अमेजिंग, अमेजिंग लेडी। उनका भी सेम यही था कि द ब्लैक मैजिक वॉज डन, और वो इनफैक्ट मैं अब यहाँ पे कहीं पे जो है ना उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा फॉर योर ऑडियंस। तो उनका भी यही ओके था कि उनके हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, और उनके मरने के बहुत सालों के बाद उनको पता चला था कि उनके अंदर ब्लैक मैजिक की एंटिटीज अभी तक रहती हैं। एंड हाउ शी मैनेज टू गेट रिड ऑफ इट, उन्होंने किस तरह से उसका उतार किया, इट वॉज एन अमेजिंग, मतलब आई वुड हाईली रिकमेंड, जो लोग ब्लैक मैजिक में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरीज में, दे शुड गो वॉच दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच माया, आपका मुझे एक टाइम देने। बात आपसे इसी से रिलेटिंग बात पूछनी थी, ये जी जो जी ब्लैक मैजिक होता है वो तो एक मैजिक होता है, वो
वो एक फॉर्म कैसे ले सकता है? वो फॉर्म क्या फॉर्म है सर? लाइक वो बौना सा फॉर्म जो उनको दिखाई देता है अच्छा चले मैं स्माइलिंग, आपको बता देता हूँ। वो देखें, क्या होता है? ब्लैक मैजिक इज नॉट अ डस्ट पार्टिकल, इट्स नॉट अ स्मोक, इट्स ये हवा के अंदर कोई मैटर नहीं है। ब्लैक मैजिक जो है ना, वो एक ऐसा मैटर नहीं है जो हवा के अंदर एग्जिस्ट करता है। ब्लैक मैजिक कैसे फंक्शन करता है मैं आपको बता देता हूँ। वो उसके प्रोसेस मैं इसलिए भी नहीं बता सकता बिकॉज आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन हाउ दिस ब्लैक मैजिक वर्क्स, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ब्लैक मैजिक के शयातीन, बिकॉज मैं जिन नहीं बोलूँगा, शयातीन या डीमंस किसी के पास आ जाते हैं। अच्छा, होता यह है कि फॉर एवरी ब्लैक मैजिक, बहुत सारे केसेस में, मैं ये सब में नहीं कह रहा हूँ, लाइक जब कोई किसी के ऊपर जादू करवाता है, काला जादू करवाता है, सो व्हाट हैपेंस इज जो जादू करने वाला होता है, काला जादू करने वाला होता है, दे समन अ न्यू डीमन, या वो उस जॉब के लिए एक नया डीमन समन करते हैं, या एक नए डीमन को पकड़ते हैं या काबू करते हैं। ठीक है, उस डीमन की दूसरे मकसद भी हैं, उसका एक रीज़न है टू एग्जिस्ट, एंड दैट रीज़न इज़ नॉट टू हार्म समबडी। किसी के ऑर्डर लेके किसी को हार्म करना उस डीमन का मकसद नहीं है, उसके दूसरे मकसद हैं, बिकॉज़ वो इब्लीस या शैतान या लूसीफर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। बट सिंस लूसीफर या डीमन या लूसीफर या सेटन या इब्लीस उस काला जादू करने वाले से इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो अपना एक चेला जो है उसको परमानेंट दे देता है फॉर द टास्क। अब जब ये डीमन, वंस दे आर डन विद देयर टास्क, दे हैव नो अदर टास्क, दे हैव नो वेयर एल्स टू गो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो एक, उसके पास कोई जॉब नहीं होती है करने के लिए, तो जहाँ पे उसको समन के, जहाँ पे उसको बाउंड किया जाता है, जिस घर में, जिस इंसान के ऊपर, अगर वो इंसान मर जाता है तो वो एंटिटी उसी घर में रह जाती है, तो वो फिर कि दूसरे वहां लोगों को। मतलब अगर वो ओके प्लीज़ गो अहेड। तो सर सॉरी फॉर दैट, मैं एक बात पूछ रही थी, वो जादू तो वो फैमिली पे की गई थी राइट? मतलब मेरी कजन की फैमिली पे की गई थी, मतलब उन बंदों पे की गई थी, इसलिए वो चीज बॉम्बे से उठ के दिल्ली उनके लिए, मतलब उनके घर पे ना हो के वो उनके साथ आई है, आप ये बोल रहे हो? उसका और कोई काम नहीं है। वो जो घर में उनको एंटिटी, उनका जो एंटिटी है वो घर पे नहीं है, मीन टू से दैट कि आपका कहने वाले वो बॉम्बे से वापस आ गए क्योंकि उनका कोई जॉब नहीं रहा, तो वो एंटिटी भी उनके साथ इस घर में आ वो गई, मतलब एंटिटी उनके उनके साथ, पीछे पीछे, यस, उस फैमिली के साथ बाउंड हुई हुई है ओके, नॉट एक घर के साथ हुई है, मतलब ना। उनके साथ हुई है. अच्छा, अब मैं आपको ये थोड़ा डिफरेंस ही बता देता हूँ, अगेन इट्स फॉर अ डिफरेंट टॉपिक, बिकॉज ये भी हम शूट कर चुके हैं, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन भूत, जिसको हम रू बोलते हैं उर्दू में और हिंदी में भूत बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन रू एंड डीमन इज के डीमन कैन चेंज स्विच प्लेसेस, बिकॉज उसकी विल होती है, राइट? और अगर वो बाउंड किया हुआ है किसी के साथ, जैसे कि इस केस में एक फैमिली के साथ बाउंड हुआ हुआ है, तो वो उस फैमिली के पीछे है, वो फैमिली कहीं भी जाती है अनटिल अनलेस वो उसका उतारा करता है, एंड दे गेट रिड ऑफ दैट एंटिटी। जो रूह होती है, एक तो उसको ये नहीं पता होता कि वो रूह है, कि दे आर डेड, ठीक है, ये मैंने सुना है आपने. एंड दे आर बाउंड टू सर्टन थिंग्स। वो जिस वजह से भी वो भटक गई है, जिस वजह से भी वो रूह भटक गई है, आदर वो घर, जिस मकसद से, जो अनसॉल्व्ड बिजनेस उसका है, वो रूह उससे बाउंड हो जाती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई एक इंसान हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो जूता हो, चाहे कबर्ड हो, चाहे कोई जी पॉट हो, वो उससे बाउंड हो जाती है, एंड कुछ भी हो, कुछ भी हो। लास्ट पूछना था आपसे पूछें। कि एक एंटिटी तो दिख रही है, ये दूसरी एंटिटी कौन थी आफ्टर डेथ, जो उनको वो दूसरी एंटिटी दिखती है, पहले दिखती है वो दूसरा, वो बौना बाद में दिखाई देता है ऊपर कहीं? दे कुड बी मल्टीपल डीमंस, बिकॉज ब्लैक मैजिक में दे कुड बी मल्टीपल डीमंस। अच्छा, क्या दूसरी मतलब एक वो और अपनी चीज़ भी सिस्टर भी हो होती है, सकती है मे बी? दूसरी एक और चीज़ भी होती है, ये मैं आपको हिंदुज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। मुझे इस, मैं भी इस्लाम के ऊपर इसमें किसी किसी भी कुछ कुछ राकीज़ हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे मैंने भी दोस्ती की है, और मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ, दे विल टेल मी इन डिटेल, वंस आई गेट दैट डिटेल फ्रॉम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू, आई डेफिनेटली शेयर दिस विद ऑडियंस। लेकिन फ्रॉम हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ नॉट मी सेइंग, दिस इज़ दिस रिसर्च, ठीक है, अगेन आई एम नॉट पुलिंग दिस आउट ऑफ माई ओन एस, दिस इज़ जो काला जादू करते हैं, राइट, दे हैव टू पे इफ दे डाई, आई मीन ऑफ कोर्स दे विल डाई, आई मीन व्हेन दे डाई उनकी सोल इज़ फॉर एवर
in सर्विस ब्लॉक्ड. ऑफ दैट ब्लैक एंटिटी. अब वो चाहे वो एंटिटी या वो डीमन उसकी रूह को चाहे वो कहीं भी ले जाए, लेकिन वो टिल द एंड ऑफ टाइम्स उस काला जादू करने वाले की रूह इज बाउंड. एंड देन दैट सेम रूह, इट्स लाइक अ साइकिल. वो उसकी बुरी रूह जो है ना, वो दोबारा से ब्लैक मैजिक में भी यूज हो सकती है. तो बहुत अच्छा, सारे अबाउट केस, दैट लेडी जो मैरिज हो गई थी उनकी, अब मतलब मे बी वो भी हो सकती है आफ्टर दैट वो बाउंड हो चुकी है ब्लैक मैजिक में. दैट आई कैन नॉट आंसर, मुझे नहीं पता. थैंक यू वेरी मच माया, आपका अपने वेलकम. इतना टाइम दिया हमको. बिफोर वी स्टॉप रिकॉर्डिंग टू ऑडियंस, मैं दो तीन बातें करना चाहूँगा. एक तो दिस इज़ फॉर द ऑडियंस स्पेसिफिकली, सिंस हमारे चैनल का फॉर्मेट एक्चुअली यही है कि वी वॉन्ट टू टॉक टू पीपल वन ऑन वन, और लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करनी हमको. देखो यार, हमारी अम्मा जो है ना, हमेशा एक बात बोलती थी कि इफ़ यू वॉन्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, यू यू हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट देयर रिलीजन. तो कमेंट में कोई फजूल की बात नहीं करना, बी वेरी रिस्पेक्टफुल. ठीक है, शी ओपन्ड अप, आई एम ग्लैड शी डेड, एंड आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर यू दैट शी ओपन्ड अप.